नमस्कार, मैं हूं कविता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एवन न्यूज टीवी में। रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की तरफ। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मेरठ के दौरे पर रहे। पीएम ने यहां मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। पीएम मोदी 4 जनवरी को मणिपुर और त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे। सोमवार को दिल्ली आएंगे आंध्र प्रदेश के सीएम जगमोहन रेड्डी। पीएम शाह से करेंगे मुलाकात। लखनऊ में सीएम योगी पर केजरीवाल का हमला, कहा योगी जी ने लोगों को कब्रिस्तान भेजा। हरियाणा में कोविड के चलते 3 से 12 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी। दिल्ली में कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार बढ़ने लगी है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता और घबराने की कोई बात नहीं। ओमिक्रॉन की वजह से 5 जनवरी से मुंबई दिल्ली से कोलकाता की केवल 2 साप्ताहिक उड़ान होंगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गुब्बारों में गैस भरने के दौरान ब्लास्ट, 3 बच्चों की मौत और 5 घायल। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 27,553 नए मामले सामने आए, 284 लोगों की मौत हुई। ओमिक्रॉन की स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल ने 3 जनवरी से कोरोना वायरस बीमारी से संबंधित कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके तहत राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज एक बार फिर बंद होंगे। इसके अलावा शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट और बार भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।